तो इस वाली वीडियो में हम ब्लास्ट करने वाले 10,000 TNT वर्सेस ये बड़ी जायंट सी केप जो इतनी बड़ी है कि तुम इसमें पूरा माइनक्राफ्ट ला सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये माइनक्राफ्ट मोबाइल वर्जन है और मैं जब इतना बड़ा ब्लास्ट करूंगा तो क्या होगा, क्या पता मेरा फोन ही ब्लास्ट हो जाए या फिर ये पूरा का पूरा पहाड़ ही ब्लास्ट हो जाए या फिर पूरा का पूरा सर्वर ही क्रैश हो जाए। लेकिन जो होता है वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है। वॉच टिल द एंड, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द लाइक बटन एज वेल, क्योंकि यार ये बिल्कुल फ्री होता है और तुम कभी भी अपना माइंड चेंज कर सकते हो। बाय द वे, एंजॉय द वीडियो। तो बेसिकली गेम इंस्टॉल करने से लेकर रैंडमली स्पॉन होने तक आई थॉट दैट कि लेट्स डू समथिंग बिग। तो आते ही यार मैं जल्दी से एक केव खोजने निकल पड़ा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैंने आज तक कभी माइनक्राफ्ट खेला नहीं, ठीक है, आज तक मैंने माइनक्राफ्ट लिटरली कभी छुआ तक नहीं। बट ऑल आई डिड कि जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, जितने भी माइनक्राफ्ट के सबसे बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनको मैं फॉलो करता हूँ क्योंकि उनके पीसी गेम्स देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा बेसिक नॉलेज आ चुका था। अरे यार, केव ढूंढने के चक्कर में मैंने लिटरली 15 मिनट वेस्ट कर दिया है। आई डोंट नो कि मुझे केव मिलने वाला है कि नहीं, बट तभी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ होता है। मेरा गेम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है। इट्स लिटरली सो फ्रस्ट्रेटिंग कि जब तुम 15 मिनट वेस्ट करते हो और तुम्हारा अचानक से गेम रीस्टार्ट हो जाए। लेकिन गेम रीस्टार्ट करने के बाद मैं फाइनली उस जगह पे पहुंच जाता हूँ जहाँ पर मुझे एक्चुअली पहुंचना था। फाइनली वो केव मुझे मिल चुका है जहाँ पर मेरे को एक्चुअली सारे TNT 10,000 TNTs मुझे फिल करने थे। और मैं अगर तुम्हें एक्चुअली सच बताऊँ ना, मैं काफ़ी ज़्यादा टेंस था क्योंकि 10,000 TNT भाई कम नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा होते। और तुम्हें मैं केव के बारे में बताऊँ तो भाई केव काफ़ी ज्यादा डीप था और मुझे पूरा TNT से फिल करना था इसको। अरे यार, रात हो गई बात करते करते, अभी एक्चुअली मेरे को चारों तरफ लाइट लगा के देखना हुआ, क्या पता अंदर क्या हुआ, डीप कितना ज्यादा हो के मेरे को ध्यान से यहाँ पर लगाना पड़ेगा लाइट। एक भी गलती से अगर TNT पे लगा तो भाई खेल खत्म। एक्चुअली मैं देख लेता हूँ चारों तरफ कि कहाँ पर क्या क्या लगाया जा सकता है। एक्चुअली केव काफ़ी ज़्यादा डीप है यार, केव के कितने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स इधर उधर चारों तरफ बिखरे हुए हैं। मेरे को जल्दी से लाइट लगा के आगे देखना पड़ेगा कि आखिर डीप कितना है, मतलब नीचे कितने सारे ज़ॉम्बीज है। ओह माय गॉड, मेरे को नहीं पता। हम लोग तो भाई जल्दी जल्दी यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर जितने सारे टॉर्चेस है जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। और मेरे को बाद में थोड़े बहुत TNT में ऑलरेडी मैं उधर फिल कर चुका हूँ। एक चीज़ तो गारंटी है गाइस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, पूरा TNT से फिल करना है मेरे को एरिया को। ओह माय गॉड, पूरा फिनिश करने के बाद गाइस, चारों तरफ लाइट्स लगाने के बाद अब यहाँ पर बस मुझे वेट करना था कि जल्दी से सुबह हो और अब मैं अपना काम स्टार्ट कर सकूँ। यू idiot zombie यार, इधर कहाँ से आ गया, इसको मारना पड़ेगा जल्दी से। तो यहाँ पर फाइनली सुबह हो चुका था और मैं पूरा जोश से भरा हुआ था कि चलो अब यहाँ पर जल्दी से काम करने को मिलेगा। तो यार अब सुबह हो चुका है, अब काम का टाइम है, चलो जल्दी से यहाँ पर लग जाते हैं। अरे यहाँ पर ये मकड़ी कहाँ से आ चुकी है, लेकिन आई नो मुझे क्या करना है, इसको मैं बॉक्स से फिल कर दूंगा। ओए रुक जा मकड़ी, ओए रुक जा। ओह नो, उसको हिट कर दिया भाई, इसको हिट कर दिया। चलो यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, मैं यहाँ पर आराम से यहाँ पर TNT फिल करते जा रहा था अनटिल कि मुझे पता चला कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है करते करते। मैं ऑलमोस्ट 1.5 आवर वेस्ट कर चुका था। लेकिन तभी मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर मैंने चारों तरफ कैंडल्स बिछा के रखे थे। अगर ये TNT गलती से भी कैंडल्स के ऊपर पड़ेगा तो तुम्हें पता ही क्या होने वाला है, चारों तरफ एक्सप्लोजिव हो जाएगा और मेरा पूरा का पूरा प्लान फेल होने वाला था। लेकिन अब जो मैं करने वाला था वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि अब मुझे अब सेपरेटली सारे टॉर्चेस को अलग अलग करना था, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि अगर मैं टॉर्चेस नहीं हटाऊंगा तो भाई मेरा पूरा का पूरा प्लान फेल हो जाएगा। इस मोमेंट तक मुझे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा था कि मुझे फिर से सारे टॉर्चेस को हटाना पड़ेगा, नाइट को फिर से सारे काम फिर से करने पड़ेंगे। लेकिन मैं पूरा का पूरा सोच चुका था कि इस बार मुझे हार नहीं मानना है, कि फाइनली जब मुझे केव मिल चुका है तो इस बार मैं ये TNT वाला मिशन में करके रहूँगा नो मैटर वॉट। एंड फ्रंट साइड के सारे कैंडल्स हटाने के बाद मैं डिसाइड कर चुका था कि इधर जितने भी थोड़े बहुत कैंडल्स बचे हुए हैं अब मैं उसे हटाऊँगा। एक तो गाइस मैं फ़ोन में खेल रहा था और डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मुझे हर जगह टैप टैप कर करके मुझे हर एक सेपरेटली कैंडल हटाना पड़ रहा था क्योंकि एक मिस्टेक और पूरा का पूरा प्लान फेल हो सकता है अभी के अभी। सो आई हैव टू बी केयरफुल।
तो अभी तक मैंने टोटल 2 hours and 30 minutes में लगा चुका था, एंड अब मैं डिसाइड कर लिया था कि मैं अब और कैंडल्स तो नहीं हटाने वाला हूँ। अब मैं इस एरिया को पूरा TNT से फिल कर दूंगा और बाकी कैंडल्स मैं आगे की तरफ नहीं हटाऊंगा, कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था मुझे। सो ऑफकोर्स मुझे ये सोलो करना है, तो डेफिनेटली मुझे कॉशियस रहना पड़ेगा टाइम को लेकर, कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट कर सकूं। बट आई हैव सम प्लान्स कि मैं लास्ट में डेफिनेटली कुछ करूंगा, कि वहाँ जो आगे मैंने खाली छोड़ दिया है जहाँ पर कैंडल्स है, वहाँ पर डेफिनेटली मैं वहाँ पर भी TNT फिल करूंगा। तो अभी मैं वीडियो को सुपर फास्ट करने वाला हूँ, क्योंकि भाई साहब बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा अगर मैं बैठ के तुम लोगों को पूरा डिटेल्स देने लग जाऊँ। लेकिन है तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बट इतना टाइम किसी के पास डेफिनेटली नहीं होगा फिलहाल। तो लेट्स स्पीड द वीडियो। और यहाँ पर मुझे काम करते करते बिल्कुल भी टाइम का अंदाज़ा नहीं रहा कि कब विंटर आ गया, कब सीज़न चेंज होना स्टार्ट हो गया। बट मैं बिल्कुल 101% डेडिकेटेड था कि भाई रात हो जाए, दिन हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ये काम तो भाई फिनिश करके रहूँगा। प्रॉब्लम मुझे ऊपर की तरफ ही हो रहा था, क्योंकि मुझे ऊपर सारे TNTs को अलाइन करना था, वरना बिल्कुल गंदा दिखता। एंड काम करते करते सुबह हो गया, एंड सुबह होते ही मैं डिसाइड कर लिया कि भाई सुबह होते ही मैं ऊपर के जितने भी सारे अलाइन करने वाले काम है सारे मैं जल्दी से फिनिश कर लूँगा। ऊपर तो साइड का काम करते करते मुझे रात हो जाता है, और जैसे ही काम मैं फिनिश करने वाला होता हूँ कि मुझे एक ज़ॉम्बी दिखता है जिसको मैं अंदर ही पूरा एकदम। तो फाइनली हमने इस बड़े से केव को फिल कर दिया है पूरा 10,000 TNT से। नाउ अब यहाँ पर बहुत बड़ा केव होने वाला है। तो यहाँ पर अभी रात हो रहा है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा और वेट करेंगे दिन होने का, क्योंकि हम लोगों ने एकदम दिन होते हुए इसको स्टार्ट किया था काम करना, एंड दिन होते हुए हम लोग इसको ब्लास्ट करेंगे। और यार फाइनली पूरा 5 घंटे लगाने के बाद ये फाइनली कंप्लीट हुआ, एंड पूरा अंदर की तरफ से मैंने पूरा फिल कर दिया। अब बस जो वेट है वो बस सनराइज का है, और मेरा फायर वाला बो बिल्कुल रेडी है, और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या होगा इतना सारा जब 10,000 TNT जब ब्लास्ट होगा, वो भी मोबाइल वाले वर्जन पे। दिस इज इट, दिस इज द टाइम आई गेस। So I am gonna fire in 3, 2, and 1. It's going. Mera phone completely lag ho chuka. It's going. Oh no. Oh my god. Kya ho raha hai? Mera phone bilkul stop ho chuka hai. Mera phone bilkul lag ho chuka hai. I can't move. It's just stuck. Sare render hone band ho chuke. Oh my god, I think this is it. मेरा फोन पूरा लैग हो चुका है, मैं होम बटन तक टैप नहीं कर पा रहा हूँ, सब कुछ स्टक हो चुका है। What should I do? फाइनली गेम खुल चुका है, ओह माय गॉड, एंड अभी भी यार ब्लास्ट हुए जा रहे हैं, अभी भी चारों तरफ TNT हवा में, आई गेस जितने भी TNT थे सारे हवा में चले गए। ओह माय गॉड, क्या डिस्ट्रक्शन हुआ। So this is it for today's video guys. अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, कि नेक्स्ट टाइम आई विल बी श्योर कि कुछ और भी ऑसम चैलेंजेस लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यार मोबाइल से करना डेफिनेटली काफ़ी मुश्किल होता है। बट सब्सक्राइब एंड पीस आउट।